अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल की असाइनमेंट्स के हवाले से, असाइनमेंट वन एंड टू को। इसमें सबसे पहले हमारे पास है असाइनमेंट वन, जिसमें हमने जॉब कंफर्मेशन लेटर JCL सबमिट करवाना है। और JCL में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि जो प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना जॉब कंफर्मेशन लेटर बनाएंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर किसी ने भी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जॉब होल्डर्स नहीं होते लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होता है, तो अगर उनको जॉब कंफर्मेशन लेटर चाहिए हो तो वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो उनको हम जॉब कन्फर्मेशन लेटर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा हम सारी डिग्रीज के प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स और जितनी भी वीडियो की वर्किंग है उन सारी की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने अभी इसका जो जॉब कंफर्मेशन लेटर है वो किस तरह से बनाना है, उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। उसमें सबसे पहले तो जो आपका जॉब कंफर्मेशन लेटर है वो कंपनी की लेटर पैड के ऊपर बना हुआ होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जॉब की कंपनी की लेटर पैड के ऊपर हो, प्रॉपर उसके ऊपर रिटर्न हो कि फलां स्टूडेंट का मतलब नेम, जिस तरह ये स्टूडेंट है मोहम्मद अरसलान सन ऑफ दिस एंड CNIC नंबर, वहाँ पे उनकी पोस्ट क्या है, और इस तरह प्रॉपर लिख के कब से वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ होना चाहिए। और जिस डेट को आपका लेटर इशू हुआ है वो वाली डेट लिखी होनी चाहिए, जिस तरह भी 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने लेटर बनवाया है। उसके बाद नेक्स्ट रिगार्ड्स एंड जिस बंदे ने ये लेटर इशू किया है उसका नेम होना चाहिए असद अली, और उसकी पोस्ट क्या है, CFO है कंपनी का, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, उस कंपनी की यहाँ पे हमारे पास स्टैंप लगी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये जो जॉब कंफर्मेशन लेटर असाइनमेंट नंबर वन जो है ये इस तरह से कंप्लीट होती है। अगर किसी चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट असाइनमेंट जो टू है जॉब प्रोजेक्ट प्रपोजल वाली, इसके बाद नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे और वन बाई वन सारी चीज़ें उसकी देखेंगे। थैंक यू सो मच।